माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह सुबह नमाज पढ़िए तो यहाँ भी परिंदे हैं राफिया, परिंदे हैं और बहुत ज्यादा है, तो यहाँ भी बर्तन रखने पड़ेंगे। हाँ, चिड़िया है ना, तो मैना भी है, चिड़िया भी है, तो यहाँ भी बर्तन रखते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखिए, देखा आज परांठे का कैसे ख्याल आ गया? दिल कर गया। अच्छा, मैं आके चलो परांठा बना के खा ले, दिल कर गया जो सुबह सुबह। चलो फिर डालो परांठा। डाल देती हूँ, एक मिनट वेट करो। डाल दो कुछ होकर, डाल दो। एक एक मिनट में ना 10 रोटियां लगाता था तंदूर वाला, जो लगाता था लम्हा। फिर साथ चाय भी बन रही है। वेरी गुड, चाय भी साथ पराठा भी। आज मुझे भूख लग गई है सुबह सुबह। क्यों घर गए हो? नहीं, वो धुआं आ रहा था घी वाला। क्या धुआं आ रहा है भाई? घी वाला। हाँ सही बात है राफिया, तुम मजाक समझ रही हो। मैं तो बैठी हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। नहीं, घी वाला धुआं आ रहा था, मान जाए। कलर बड़ा प्यारा है। कलर तो बाकी बहुत प्यारा है। माय रमजान खाते बड़े हो गए तो। किस चीज के? एक पास पकोड़े। हाँ, इस चूल्हे पे पकोड़े होंगे, इस पे क्या होगा? इस पे रोटियां, रोटी बनेगी। हाँ, हांडी, रोटी। देखे मेरे पराठे क्या चल रहे हैं? लो जी, इसके परांठे का कलर देख लेते हैं। माशाल्लाह, क्या बड़ा जबरदस्त कलर है भैया आपके परांठे का। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर करिएगा। तुम्हें जा रहे हैं, पूछ रहे, हमेशा की तरह शाद आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। आमीन सुमन ना करो, मैं कर सकती हूँ। बीच जाके ठीक है, मैं अपना व्लॉग आप बना सकती हूँ। ऐसे करो ना, ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, मैं अपना व्लॉग बना सकती हूँ। बना सकती हूँ? हाँ जी। हूँ मैं बहुत ओ हो गई हूँ, मतलब स्ट्रांग हो गई हूँ। स्ट्रांग हो गई जी, कॉन्फिडेंस आ गया जी। हूँ मैं अपने आप कर सकती हूँ, तुम इसे मेरे व्लॉग में ना ही करो। अच्छा, हाँ जी, व्लॉग के अंदर नहीं आना? मैं नहीं, मना हो गया। चलो ठीक है, ठीक है जी, मैं यहीं से सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उठता जाओ, खैरियत से हैं। हमारी ये दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और शादाबाद रहें। कल बिजली नहीं थी, सुबह 7 बजे गई है, तकरीबन रात को 11:50 पे आई है, तो कल इसलिए हमारा व्लॉग नहीं आ सका। और राफिया मुंह देखती रह गई, रात को कहती है कि बिजली आएगी भी सही या नहीं, तो मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता बिजली आएगी या नहीं। राफिया आगे आगे आ जाए। अच्छा, हाँ जी, चलिए देखते हैं। हाथ के सुकड़े पो गया। हाँ, कैमरा तो अपने ऊपर रखो ना। हाँ बस ठीक है। अच्छा जी, गर्मियाँ बहुत ज्यादा, हाँ पकड़ो, गर्मियाँ आ गई हैं ठीक ठाक। अब गर्मी पड़ती है तो आज हमने सोचा है पंखा लगाएं, छत वाला पेडिस्टल फैन तो जो है बाहर लगाते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छर होता है। छत वाला पंखा लगा लें ताकि जो है कहाँ चली गई हो, छत वाला पंखा लगाए ताकि जो है राफिया आराम से सो सके।
राफिया आराम से सो सके। तो राफिया कहाँ है छत वाला पंखा आपका? अच्छा आप आगे हो जाए, इधर जाए, वो सामने मुझे नजर आ रहा है, इसको तो आपने साफ ही नहीं किया। खैर मैं उठाता हूँ, ये संकेत आ गया। अच्छा जी आ गया है जी। अब इसको पता है क्या करना है, तुमने बहुत अच्छी तरह साफ करना है, फिर इसके पर कहाँ है मैं बताता हूँ, गालिबन वो पड़े हैं, है ना? ये पर भी निकाल दें, बिस्तरों को ऊपर रखें, ये पड़े हैं ना, तो ये इधर लाओ, इधर कितने गंदे हो गए। हाँ गंदे हो गए, इसके ऊपर रखो जहाँ ये मुर्गियों का और परिंदों का दाना पाना पड़ा हुआ, इनको आपने अच्छे तरीके से धोना है, अच्छे तरीके से धोना है, ठीक है? इनको धोना है, सर्फ के साथ धो लें ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए, इन पर काफी गर्द है, और इसको धोना नहीं है। अच्छा। इसके अंदर पानी चला गया ना तो इसका बैरंग भी आवाज देगा और बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, करंट भी आ सकता है इसमें, शॉर्ट हो सकता है। इसको आपने अच्छे तरीके से पहले खुश कपड़े के साथ साफ करना है, साफ करने के बाद पता क्या करना है, फिर इस पे गीली टाकी मारनी है, फिर उसके बाद खुशक टाकी मारनी है। गीली टाकी भी हल्की गीली होनी चाहिए, ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए कि पानी रिस के इसके अंदर चला जाए, ठीक है? तो इसकी ये बदलनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी है, और यहाँ छत जो है ये यानी कि इतनी ऊंची नहीं है, तो ये ऊंची छत के लिए आपने लगाया था बड़ा पाइप, ठीक है? आज ही लगा लें तो फिर डराया होगा, डर नहीं गई तुमने उनको, डराया होगा। ये पंखे के ऊपर पानी फेंक रही हो, कर क्या रही हो? मैं धो रही हूं, खाना बनाना है। रोज धुलाई करती हो रात में, बस वो जहाँ से गुजर भी जाएं तो आप वो जगह धोती हैं। चले आपके हाथ में, मेरा क्या है, मोबाइल पे आएगा पानी, शरारती ने तुमको ना कर, शरारती चलो धो। ये रोजाना दिन में दो मरतबा धोना पड़ता है, मुर्गियां गंदियां नहीं है, मुर्गियां आपने गंदी मुर्गियां देखी नहीं है, गंदी मुर्गियां जो होती है ना वो जगह जगह से गंद डालती हैं, ये तो तुम्हारा घर बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, इनको पता भी नहीं है कि मुर्गियां रखी हुई हैं कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलो जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं नहीं ये देख लें आप, पूरा सेन देख लें, कहीं भी गंद है नहीं, ये इनका बाजरा पड़ा हुआ है, ये जब इधर से बाहर निकलती हैं तो ये खाती हैं, क्योंकि ये बर्तन को गिरा के ना गिरा देती हैं, पूरा घर, पूरे घर में देख ले, नहीं ये पूरे घर में कहीं भी गंद नहीं पड़ा। इधर आ जाओ, इधर आओ, किधर, ये देखें, ये अंडा खा लिया है, ये अंडा खाया है उसने, बिल्कुल अंडे खाती है इसके, ये बड़ी है राफिया, ये बिल्कुल गंद नहीं है, ये बिल्कुल जो छोटा छोटा सा महसूस भी नहीं होता, लेकिन तुम जो है ना ये सिलसिला तुम्हारा होता है इसी तरह, ये धोना बहाने बनाती है, सिर्फ आपने फर्श धोना है तो धो लें, चाहे दो बार धोएं तो चाहे चार बार धोएं, इससे हमें मुझे क्या फर्क पड़ता है, है? ये क्या है, ये देखें जी कैसा हाल किया हुआ है राफिया बीबी ने राफिया ये क्या मुनियारी का सारा सामान रखा हुआ है, कभी टोकरी में कभी किसी चीज, ये क्या है राफिया, ये बेसन है, बेसन आज कड़ी बनानी है ना, ये सुपर चावल है, आज कड़ी बनानी है जी, ये मिर्चन, ये मसरां दी दाल है, ये मीठा सोडा है, ये मक्खनी दाल है, ये जरदा,
जरदा रंग दड़ा मिर्च चलो दोनों में से एक बस इतना दाल ये मेरे प्यार तो क्या हो गया कुछ नहीं हो चावल चावल खा रही है। चलें जी इसी बात पे हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह कल एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।